दोस्तों, आप लोगों ने टीवी सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के तो जरूर देखा होगा। इस सीरियल में दो बहनों की कहानी को दिखाया गया है, जहां एक और इस सीरियल में एक बहन बहुत ज्यादा सीधी सादी दिखाई गई है, तो वहीं दूसरी बहन को इस सीरियल में काफी तेज तरार दिखाया गया है। इसी वजह से इस सीरियल को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में रचना और गुंजन की कहानी को दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस सीरियल में रचना का किरदार निभाने वाली वो अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सपने सुहाने लड़कपन के में रचना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम महिमा मकवाना है और महिमा का जन्म 5 अगस्त 1999 को मुंबई में हुआ। लेकिन बात अगर इनके करियर की जाए तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो बालिका वधू से की, जिसमें इन्होंने गौरी का किरदार निभाकर सभी का दिल जीत लिया। इस सीरियल में इनके दमदार अभिनय को देखते हुए इनको टीवी सीरियल सवारे सबके सपने प्रीतों में देखा गया। इस सीरियल में इनके अभिनय को दर्शकों ने खूब प्यार दिया, जिसकी वजह से इनको टीवी सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के में लीड रोल निभाने का मौका मिला। इस सीरियल के जरिए इनको खास पहचान मिली। आज दर्शक इनको इसी सीरियल के जरिए जानते हैं, जिसमें इन्होंने रचना का किरदार निभाकर सभी का दिल जीत लिया। जहां एक और इस सीरियल में ये रचना का किरदार निभाती हुई नजर आई थी, तो दूसरी ओर इस सीरियल में रूपल त्यागी को गुंजन का रोल निभाते हुए देखा गया। इन दोनों को इस सीरियल में काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा महिमा टीवी सीरियल दिल की बात दिल ही जाने और हमारी अधूरी कहानी जैसे सीरियल में नजर आ चुकी है, जिसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए टीवी इंडस्ट्री से दूरियां बना ली। लेकिन आज महिमा पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी है और पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश भी हो चुकी है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हो। हाल ही में इनको एक म्यूजिक एल्बम में देखा गया, जिसको दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को टीवी सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के में महिमा मकवाना का अभिनय कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।